सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचटीएमएल डॉम के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो अपने पास आखिर सीएसएस में इतने कितने तरीके हैं जिनकी मदद से अपन उन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उनमें स्टाइल दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो वॉलपेपर में अगर आप नोटिस करो तो यहाँ लिखा है ट्राई अगेन। वैसे तो मैंने भी नोटिस अभी किया है, लेकिन इसका मतलब साफ है, अगर टायर्ड हो चुके हो तो प्लीज़ ट्राई करो अगेन। शायद कोड दोबारा समझ में आ जाए, कुछ ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये आर्टिकल जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और ये मैंने ही लिखा है, इसके अंदर अगर अपन ध्यान से देखें तो सीएसएस को सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उन तरीकों की अगर बात करें तो ये है अपना पुराना वाला कोड जो कि अपन ने पिछली वीडियो में लिखा था। और इस कोड के अंदर जैसा कि अपन ने कुछ सीएसएस फाइल्स भी लिखी थी, अगर अपन लोकल होस्ट पर जाकर देखें तो अपना कुछ ऐसा चल रहा था सिस्टम। तो अब अपन क्या करते हैं कि इन सबको एडिट करते हैं। एडिट कैसे करेंगे, चलो इन सबको पहले कट करते हैं। ये कोड हो चुका है पुराना, इन सब की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है और एचटीएमएल तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये कोड है अपना पूरा। अब अपन क्या करते हैं, उन सभी तरीकों को देखते हैं जिनकी मदद से हम सीएसएस के अंदर एचटीएमएल के एलिमेंट्स को एक्चुअली कंट्रोल कर सकते हैं। सो वो कैसे करना है, देखो सबसे जो पहला तरीका होता है वो है नॉर्मल सीएसएस सेलेक्ट कर। इसका क्या मतलब होता है कि अपन HTML के एलिमेंट को डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं CSS के अंदर। तो ये तो आपने बेसिक में भी देखा होगा कि अपन सिंपल पैराग्राफ को एक कलर दे सकते हैं, कलर इक्वल्स टू ग्रीन। अगर मैं इसको सेव करूं तो अगर आप देखोगे तो जितना भी टेक्स्ट है वो पूरा ग्रीन हो चुका है। तो ये तो आपको ही पता है, सिंपल बस एक पैराग्राफ जो भी HTML टैग है उसको डाल के अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका अपने पास निकल के आता है वो है आईडी का। तो ये भी आपने बेसिक में ज़रूर देखा होगा कि अपन एक HTML के टैग को आईडी दे सकते हैं, जो कि होगा कुछ इस तरीके से। एक आईडी दिया अगर इसको समथिंग लाइक टेक्स्ट, अगर मैं इसको करूँ सेव और उसके बाद जो पैराग्राफ है उसको कहूँ कि ये पैराग्राफ नहीं, ये एक टेक्स्ट है, और इसको अगर मैं करूँ सेव तो भी सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब की बार अपन ने क्या किया, इसको एक आईडी दे दी और इस आईडी को अपन ने ट्रैक किया। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आईडी केवल एक एलिमेंट को एक ही दी जाती है। अब सवाल ये आता है कि क्यों ना अपन आईडी बहुत सारे लोगों को दे दें और अपन सभी एलिमेंट्स को एक ही स्टाइल दे सकें। तो इसके लिए बने थे क्लासेस। तो क्लासेस को अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर मैं इसी आईडी को काट दूँ और इसकी जगह लिखूँ एक क्लास, और क्लास में दे दूँ इसे टीटी, इसको करूँ सेव और यहाँ अब की बार हैशटैग को यूज़ ना करके एक डॉट को यूज़ करूँ जो कि इंडिकेट करता है एक क्लास को, यहाँ लिखूँ टीटी और कलर क्यों ना ग्रीन ना हो कि अब की बार रेड कर लिया जाए। अगर मैं इसको रेड करूँ तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का। सेव करने के बाद अगर अपन देखेंगे तो ये पूरा कलर रेड हो चुका है। तो ये तो थे नॉर्मल कि हम इन्हें नॉर्मली कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कुछ एडवांस लेवल ऑफ टॉपिक्स की, तो वो निकल के आते हैं दो एलिमेंट्स को एक साथ भी अपन यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि मान लीजिए कि ये एक पी एलिमेंट है यानी एक पैराग्राफ जिसका कलर अपन रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ अपन H2 का भी कलर यहाँ पे रेड कर सकते हैं। तो अगर अपन दो एलिमेंट्स को एक साथ लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से ये जो कोड है ये दोनों पे वर्क कर जाना चाहिए। देख लेते हैं क्या होता है, हुआ तो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ भाई, क्या हो गया, शायद मैं कॉमा लगाना भूल गया। अरे हाँ, मैं कॉमा लगाने ही भूल गया था। तो आप कॉमा लगा सकते हैं दोनों के बीच में ताकि वो दोनों सेपरेट हो जाएं और आप सीएसएस को बता सको कि ये दोनों सेपरेट एलिमेंट्स हैं जिनका कलर मैं ये कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया कॉमा वाला, शायद ये भी आपको बेसिक में पता होगा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ चाइल्ड एलिमेंट की। अब चाइल्ड एलिमेंट क्या होते हैं, मान लीजिए कि ये सब तो ठीक था, इसको तो अपन करते हैं कमेंट आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार मैं क्या करता हूँ, एक डिव क्रिएट करता हूँ। मैं बनाता हूँ एक डिव, अरे यार एक डिव मैंने बनाई। डिव के अंदर मैं लिखता हूँ एक पैराग्राफ जिसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अरे हेलो वर्ल्ड और दिस इज आई डोंट नो। सो ये एक पैराग्राफ हो गया और साथ ही साथ मैं इसमें एक लिंक दे देता हूँ, लिंक हफ कुछ भी नहीं, टेक्स्ट क्लिक मी। चलो अब अगर अपन देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, अच्छा मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। तो अब जो टेक्स्ट है वो इधर आ रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिव था जिस डिव के अंदर हेलो वर्ल्ड था और क्लिक मी का एक लिंक था, नहीं दिख रहा तो मैं जूम आउट कर देता हूँ, अब दिख जाएगा।
ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन क्या करेंगे, इस ए को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो अपन डायरेक्ट लिख दें कि भाई जो भी ए है उसका जो भी कलर है उसको एक्वा कर देना, तो इसको एक्वा कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये तो सिर्फ एक ए एट्रीब्यूट है। जब अपन एक एचटीएमएल पेज लिखते हैं तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ ए एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो उसको अपन कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने का एक तरीका है जिसका नाम है चाइल्ड मेथड। चाइल्ड मेथड के अंदर क्या होता है कि एक डिव है जो कि एक पेरेंट है, और उसके कुछ चाइल्ड है जो कि एक पैराग्राफ है और एक लिंक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसे कह सकते हैं कि सर ऐसा है, जितने भी डिव हैं उनके अंदर, याद रहे ये साइन रहेगा उनके अंदर के लिए, जितने भी ए हैं उसका कलर एक्वा कर दो। तो अब की बार क्या होगा कि जितने भी एलिमेंट हैं इसका कलर एक्वा हो जाएगा। अगर आपको डिफरेंस अभी भी नहीं दिखा तो मैं काम करता हूँ, डिव के बाहर एक और ए एट्रीब्यूट लगाता हूँ, लिंक उसकी मैं रखता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ कुछ भी रख दो, क्या जाता है। अब देखो जो ओ ओ है इसका लिंक का कलर अब की बार ए नहीं है, बल्कि अगर मैं इसी डिव को हटा दूँ तो अपने को मिलेगा कि दोनों का कलर एक्वा हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि डिव के अंदर, उसके अंदर एक ए है, तो वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करेगा। तो ये तो हो गया हमारा चाइल्ड मेथड। पर चाइल्ड मेथड ही नहीं है, और भी बहुत सारे मेथड है जो हेल्प करते हैं सीएसएस में हेल्प करने में। तो एक प्लस का भी निशान होता है, देखते हैं ज़रा क्या करता है। डिव के अंदर पैराग्राफ है अपने पास, तो एक काम करते हैं ना, इस सीएसएस को कॉपी कर लेते हैं। इसको किया कॉपी, मैं यहाँ जाऊँगा और इस कलर कोड को करूँगा कमेंट, यहाँ इसको पेस्ट कर दूँगा। देखते हैं, इसको करते हैं सेव, कुछ भी नहीं हुआ। तो डिव के बाद, अच्छा मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई। होता क्या है कि डिव के बाद का, प्लस के मतलब उसके बाद का अगर कोई एलिमेंट है, कि जैसे मैं यहाँ लिख दूँ गो फ्रॉम हेयर, इसको अगर मैं सेव करूँ तो अगर आप देखोगे तो ये बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है। तो यहाँ प्लस का मतलब क्या है, प्लस हमें ये बताता है कि डिव के जस्ट बाद में एक पैराग्राफ है जो कि रियल में एग्जिस्ट भी करता है। जैसा कि अगर अपन यहाँ देखें तो ये एक डिव है और डिव के जस्ट बाद में एक पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से और भी है, मेरे ख्याल से सिर्फ एक बचा, इसे ही बता ही देता हूँ। ये है अपना जर्नल स्लाइडिंग सेलेक्टर। ये क्या करेगा पता नहीं, क्या करेगा, कॉपी करके देख लेते हैं और इसको जस्ट यहाँ पेस्ट करते हैं। ओ गड़बड़ हो गई, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं सेव। अब देखते क्या हुआ। कुछ भी नहीं, ये भी सेम काम करता है। तो ये थे वो सभी तरीके जिनकी मदद से हम CSS में सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी तरीके जाने हैं तो आप इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको रीड कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल, बस आपको सिंपल सा एक नोट मिल जाएगा कि हाँ ये तरीके होते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।